स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल का फाउंडर डायरेक्टर हूँ और अमेरिकन एजुकेशन ट्रस्ट एंड स्वामी विवेकानंद शिक्षण विकास मंडल ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। 2020 में कोरोना के दौरान जब मेरी और जो मेरे नए ट्रस्टी आए थे उनकी थोड़ी बहस हो गई, तो उन्होंने जो टीचर्स को निकाल दिया था कोरोना में, तो मैंने उसको ऑब्जेक्शन लिया। उन्होंने टीचर्स का सैलरी कट किया, मैंने उसके लिए ऑब्जेक्शन लिया। और जो पेरेंट्स के इलीगल फीस चार्ज कर रहे थे कंप्यूटर लैब जिम कर, मैंने उनको बोला आज मेरा बच्चा भी रहेगा तो मैं भी नहीं भरेगा तो बाकी पेरेंट्स क्यों भरेंगे। आपने कितनी फी रखी थी, उन्होंने कितना बढ़ाया? मेरी स्कूल स्टार्टिंग 95 में मेरी स्कूल की फीस 100 रुपया थी महीने की, साल की 1200। अभी ICSE आने के बाद स्कूल की फीस हो गई 70-80 हज़ार रुपया, जो उसके लिए भी मैंने ऑब्जेक्शन उठाया और मैंने पेरेंट्स को बोला है कि आप रुकिए, मैं आपके लिए पूरी ताकत लगाऊंगा। क्योंकि मैंने 22 जनवरी 2022 में मैंने मीटिंग लेके 20% फीस कंसेशन किया और 15%, और मैं दूसरे दिन गुजरात गया और मेरा गुजरात जाने के बाद उन्होंने बाउंसर लगा दिए, पब्लिक नोटिस दे दी कि योगेश पटेल हैव बीन एक्सपेल फ्रॉम दिस ट्रस्ट एंड ही हैज नो अथॉरिटी टू एंटर द स्कूल। ये करने का मुद्दा यह था कि मैंने जो बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए जो फीस कट डाउन की थी उसको रोकने के लिए उनके बहुत बड़ा प्रहार था। तो आने के बाद मैंने तुरंत पुलिस में कंप्लेंट किया 2022 जनवरी में कि ये लोग ने मेरे को इलीगली हटाया, मेरे साथ में फ्रॉड हुआ है, जबकि मैंने इंटरेस्टी आदमी में हूँ ऑन रिकॉर्ड ऑफ चाइल्ड कमिश्नर, लेकिन इज मिसगाइडिंग द पेरेंट। मैं आने के बाद पता चला मेरा प्रोस्पेक्टस से नाम हटा दिया है, मेरी वेबसाइट से हटा दिया मेरा नाम, और लोगों को बोला गया कि इस सारी चीजें जिसने किया उसका नाम क्या? मिस्टर संदीप गोयनका एंड मिस्टर अंबु झुंझुनवाला। स्कूल में क्या उनका रोल था? ये ट्रस्टी आए थे 2012-13 में, मेरे जो दूसरे ट्रस्टी थे लेके आए थे, उन्होंने बोला स्कूल को एक्सपेंशन करना है और इंटरनेशनल बोर्ड लाना है ICSE, जो मैं फेवर में था, मैंने ऑब्जेक्शन भी बहुत लिए थे। अभी वो पता हमको अभी चला 6 महीने पहले जब हम लोग ने बैंक स्टेटमेंट निकाला, बिकॉज फाइनेंस वो देखते थे, लीगल वो देखते थे, तो कभी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वो निकाला बैंक स्टेटमेंट तो उससे पता चला कि मुझे वो बोलता था कि अपने पास पढ़नी है, तो मैंने बोला मेरे पास 9 करोड़ की FD पड़ी है, हम तोड़ के टीचर्स का सैलरी करेंगे। और जबकि वो मैं FD लेके बैंक में गया, बैंक वालों ने बोला FD तो खत्म हो गई। आई वाज शॉक कि जब ओरिजिनल FD मेरे पास है तो कैसे आप जा, और स्कूल का मैं नहीं ट्रस्टी हूँ, मैं फाउंडर हूँ, तो कैसे आपने दे दी? तो बोला वो तो यू नो मिस्टर गोयनका और मिस्टर झुंझुनवाला ने उसको विड्रॉ कर लिया। सर कितने साल पुराना स्कूल है, कब, कितने साल पुराना? 94-95 में स्कूल किया था मैंने गोराई में। बच्चे पढ़ते थे गोराई में? 5000 बच्चे पढ़ते थे। और 97-98 में कांदली स्कूल किया, वहां पे 7000 बच्चे पढ़ते थे। इनकी शिकायत कहां दर्ज किया? इनकी शिकायत मैंने चाइल्ड कमिश्नर में 13 केसेस फाइल किए और पुलिस स्टेशन में भी मल्टीपल केसेस फाइल किए, और काफी मेहनत के बाद हम लोग टाउन में भी मिले थे हेड जॉइंट CP साहब को, तो उनकी इंटरवेंशन से FIR फाइल हुई 48 आवर्स में। लेकिन आज FIR फाइलों के 2 महीने हो गए, जबकि बड़े सेक्शन कोई गिरफ्तारी कोई जांच का हवाला दिया अभी तक कुछ नहीं हुआ सर। तो वी हैव फुल फेथ इन जुडिशियल सिस्टम, वी आर वेटिंग, बट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, पेरेंट्स और बच्चे सब और टीचर्स सफर हो रहे हैं। सर आपका कहना है कि आप रोहित शर्मा को पढ़ाए थे, आपका स्टूडेंट था सर, क्या कहना? रोहित शर्मा, शार्दुल ठाकुर और हरमी सिंह, सिद्धि सलाट जैसे उन्होंने बच्चे पटके गए। रोहित का क्लासमेट डॉक्टर चैतन्य गिरी इज ए NASA साइंटिस्ट, इज वर्किंग विद नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यू नो, एंड दे आर वर्किंग ऑन द स्पेस पॉलिसी। तो ऐसे 100 रुपये की फीस में बच्चे पटके निकले, और आज मुझे दुख होते हैं कि पूरा स्कूल कॉमर्शलाइज हो गया है। स्कूल में पेरेंट्स के पास एनुअल डे के नाम पे 1000-1000 रुपया मंगवाया जाता है, कोई रिसिप्ट नहीं देते। सवाल ये खड़ा होता है 9 करोड़ की जो FD तोड़ी गई वो पैसे किसे दिए गए, कैसे, कहां का पहुंचाएगा? अभी हम लोग ने बैंक स्टेटमेंट देखा, मैं आपसे भी बैंक स्टेटमेंट देने वाला हूँ, तो उसमें कोरोना में वही तो प्रॉब्लम था कि जब टीचर्स की सैलरी काट गई तो मुझे बहुत दुख हुआ। यही टीचर जो दिन रात मेहनत करके काम करते है, देश का भविष्य ये टीचर बनाते है, ना योगेश पटेल बनाता है ना संदीप गोयनका बनाता है। सो और टीचर्स रोए क्योंकि उनका पूरा फाइनेंशियल बिगड़ गया था। तो तभी
पता चला बैंक स्टेटमेंट से कि इन्होंने 3-3 करोड़ के डोनेशन किए, इन्होंने 1-1 करोड़ के डोनेशन किए, उनके 75 लाख का डोनेशन किया है, और उन्होंने हमारे ट्रस्ट से पैसा, हमारी जो स्प्रिंग बर्ड जिसका मैं फाउंडर हूँ उसमें लेके गए करीबन 8-10 करोड़ रुपया। आप 1 लाख भी नहीं लेके जा सकते विदाउट चाइल्ड कमीशन। मेरी मांग यही है कि जो स्कैम हुआ है वो ओपन होना चाहिए और जो कल्प्रिट है उनको सजा मिलनी चाहिए। बोरीवली में हम लोग मिले थे सीनियर साहब को, तो उन्होंने बोला था कि इन्वेस्टिगेशन चालू है। हम भी समझते थे बीच में इलेक्शन था तो काफ़ी प्रेशर था, लेकिन आज उसको FIRO के 2 महीना हो गए और ना अभी तक उन्होंने एंटीसिपेटरी बिल भी अप्लाई नहीं किया। रीजन ये है कि उनको तो 2 महीने में एंटीसिपेटरी अप्लाई भी नहीं किया है, 2 महीने में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, नहीं किसी की गिरफ्तारी की। ऑन द कंट्री वो लोग मेरे पे उल्टा केस करते हैं कि मैंने ट्रेसपासिंग किया। कांदली स्कूल में भी मैं 25 साल से बैठता हूँ, मेरी ऑफिस में उसका वो लोग जाके मेरी ऑफिस के बाहर का मेरा जो बोर्ड है डायरेक्टर ऑफिस उसको तोड़ के वो लोग ट्रस्ट ऑफिस को लगाते हैं और फॉल्स कंप्लेन करते हैं मेरे पे। फिलहाल आप लोगों ने कोई योजना बनाई जिन ट्रस्टों ने फ्रॉड किया उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने के लिए? अभी मेरे लॉयर्स तो बोलते हैं कि अभी जल्दी रिजल्ट आएगा उसका, क्योंकि जज ने भी देखा कि उन्होंने 15-17 करोड़ रुपया 21 साल में गफला किया है। सारे पैसे उनके फैमिली के अकाउंट में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हाँ, तो उन्होंने क्या किया है, ट्रस्ट का पैसा स्प्रिंग बोर्ड में गया। मैंने NCLT में भी केस फाइल किया है 9 महीने से। NCLT को भी बोला है कि यहाँ पे बहुत सारी इरेगुलेटरी है, उसको आप प्लीज लुक इन टू द मैटर एंड टेक द कॉग्निजेंस एंड टेक द एक्शन ऑन द कंसर्न पीपल। क्या लगता है बोरीवली पुलिस आपको इसमें मामले में न्याय दिला पाएगी? मुझे जुडिशल सिस्टम पे पूरा भरोसा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जस्टिस जितना डिले होता है उतना इन लोग को फायदा मिलता है। दे आर टेम्परिंग द एविडेंस, दे आर थ्रेटनिंग द विटनेसेस। वो विटनेस स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाके बैठते हैं, और जिनके पर FIR है वो अंदर है और जिसने कंप्लेंट किया वो बाहर है। सो मैं जाता हूँ तो बाउंसर बोलता है कि साहब हमारे हमको आपसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको इंस्ट्रक्शन दिया है मिस्टर गोयनका और मिस्टर झुंझुनवाला ने कि आपको स्कूल के अंदर लेना नहीं क्योंकि आपको निकाल दिए गए। उनके पास निकालने का कोई राइट नहीं है बिकॉज आई एम स्टिल मैनी इंटरेस्टी, और बट मैंने उनका जब ये सब ओपन किया स्कैम तो मेरी जान के पीछे पड़े। मुझे तो मैंने तो पुलिस को भी बोला है कि आज मेरी लाइफ को भी खतरा है। देर इज अ बिग थ्रेट टू माई लाइफ एंड एनीथिंग हैपेंस टू मी। मैंने बोला है दिस आर द पीपल हु विल बी रिस्पॉन्सिबल। ये ठीक था, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम है दर्शन सोनी, सिटीजन राइट्स प्रोटेक्शन कमेटी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हम लीगल अफेयर्स पे बहुत सारे डिस्कशन करते हैं और हेल्प करते हैं लोगों को। जनवरी में मिस्टर योगेश पटेल ने एक एप्लीकेशन फाइल कर दी पुलिस स्टेशन में एंड ही वो कंटिन्यूस फॉलोअप में थे उसके कि इस पर कुछ कार्रवाई की जाए, बट वो कर नहीं पाए। और जून में मेरी उनसे मुलाकात हुई, तब मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स देखे जैसे कि भी बोरीवली पुलिस स्टेशन में जो उन्होंने एप्लीकेशन की थी, उन्होंने एक एप्लीकेशन की थी कि उनके फॉर्ज साइन करने के बाद एक रेजोल्यूशन पास किया गया था जिसमें उनके एक ट्रस्टी है संदीप गोयनका जी, उन्होंने उसके वाइफ और उसके फादर को बैंक अथॉरिटी ऑपरेट करने की परमिशन दी थी। ये उसकी दस्तावेज है। ये मीटिंग में ये आप देख सकते हैं, ये जो सिग्नेचर है मिस्टर योगेश पटेल की, ये मीटिंग में योगेश पटेल प्रेजेंट ही नहीं थे, और यही सिग्नेचर पे इन्होंने उसके वाइफ और उसके फादर को बैंक ऑपरेशंस की अथॉरिटी दे दी, जिसके मतलब बोगस साइन करवा के बताया गया कि जी ये एब्सोल्युटली बोगस साइन है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने चेक किया, बैंक स्टेटमेंट्स चेक किया, तो बैंक स्टेटमेंट में इतने ट्रांजेक्शन्स हुए हैं जो एक्चुअली अगर कोई ट्रस्ट करता है तो उसको चैरिटी कमीशन की परमिशन लेनी पड़ती है, या अगर वो करने के बाद खर्चा करता है या जो भी है तो उसको वहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने पड़ते हैं। तो हमने उसी सिलसिले में चैरिटी कमीशनर से पूछा, क्योंकि अगर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं तो हम लोग को उसके हिसाब से हम लोग को करना चाहिए सब। चैरिटी कमीशनर ने बताया कि यहाँ पे 2018 से लेके 2022 तक इन्होंने कोई भी IT रिटर्न से ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं किया। ये RTI के तहत उसके डिटेल्स है, ये आपको मैं सबमिट करूंगा। अब सिलसिला ये है कि भाई इन्होंने इतने पैसे ट्रांसफ़र किसको किए,
ऐसी कौन सी जरूरत आ गई कि करोड़ का ट्रांजेक्शन करने की जरूरत पड़ी? तो इन्होंने, ये हमने बैंक स्टेटमेंट सर्च किए, सारे बंच है पूरा, करीबन समझिए कि 15 से 18 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ है टोटल। दो चार में आपको बताओ तो, पहले तो चिल्ड्रंस एकेडमी है, वहाँ पे करीबन 60 लाख रुपया गया है, फिर 60 लाख गया है। उसके बाद बालाजी इंटरनेशनल फाउंडेशन, बालाजी फाउंडेशन है, उसमें 1 करोड़ गया है, अथर्व फाउंडेशन है जिसमें 10 लाख गए हैं, और सारे बैंक स्टेटमेंट्स हैं, हम कुछ बोल नहीं, ऐसे ही बोल नहीं रहे। क्या ग्राउंड बना के दिया गया, क्यों दिया गया? उसकी कोई डिटेल ही नहीं दी गई, मतलब उनको पूछा गया तो बोलते हैं वो आपको देने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो आप ट्रस्टी हो नहीं यहाँ पे, जबकि आज भी चैरिटी कमीशन में हमने पूछा था, ये यहाँ के पुलिस ऑफिसर ने पूछा था, व्हाट इज स्टेटस ऑफ मिस्टर योगेश पटेल इन दिस स्कूल। आज ये पिछले महीने का ही रिपोर्ट है, पुलिस को ही रिप्लाई किया गया कि ही स्टिल मैनेजिंग ट्रस्टी इन द स्कूल। तो चैरिटी कमिश्नर ये कहता है कि योगेश पटेल अभी स्कूल में मैनेजिंग ट्रस्टी है अभी भी, लेकिन ये जो प्रोटेस्टर लोग हैं, प्रोटेस्टर लोग का तो नहीं है। राइट, अभी यही केस को लेके योगेश पटेल जी ने कंटिन्यूस फॉलो किए, फिर हम भी ऊपर तक गए, वहां से ऑर्डर लेके आए, यहाँ पे FIR हुई जनवरी की, एप्लीकेशन की FIR हुई सितंबर में, जब इंटरवेन हुआ अथॉरिटीज, हायर अथॉरिटीज के कहने के बाद जी, और सेक्शन सारे 467, 468, 120B, 500, ये सारे नॉन अवेलेबल सेक्शंस हैं जिसमें बेल मिलना बहुत मुश्किल, बिकॉज उसमें रिकवरी 18 करोड़ की फॉर सिग्नेचर मार के ट्रांजेक्शन करना जी। तो पुलिस को हमने 2 दिन बाद विषय में पूछा, जहाँ निनाद सामंत जी हमारे सीनियर है और मस्त के आयो है इसके, तो उनको पूछा भी इसमें क्या कार्रवाई की जा रही है, और आपने उनके पास से बैंक स्टेटमेंट, बैंक चेकबुक या कुछ आपने यहाँ पे सीज किया कि नहीं किया? बोलते नहीं, कार्रवाई हो रही है। फिर हम पेडअप हो गए, दो महीने हो गए, फिर मैं पर्सनली वापस 2-3 बार गया, तब जाके मुझे पता चला, ताजुब की बात है, कि वो बोल रहे हैं कि हमारे पर पॉलिटिकल प्रेशर है इसलिए हम इस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहे। तो भैया इतना कौन सा पॉलिटिकल प्रेशर है, जबकि आपने FIR ले लिए, नॉन बेलेबल सेक्शंस लगे हैं, आपको बेल नहीं मिल सकती पता है, और हाइट ये है कि मिस्टर गोइन का कोई इतना कॉन्फिडेंस है बोरीवली पुलिस स्टेशन पे कि वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए तक नहीं गए 2 महीने में, कि उनको कोई टच नहीं करेगा, उनको पता है। तो अभी इसमें क्या साठगांठ है, कौन पॉलिटिकल पर्सन इन्वॉल्व है, कौन कौन इन्वॉल्व है, वो हमें पता ही नहीं है। तो उसी के सिलसिले में हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि ये चीज जो है ये ऊपर तक पहुंचाइए कि यहाँ पे क्या हो रहा है और उस पर कार्रवाई की जाए। तुरंत उन्होंने जो लेटर लिखा था चैरिटी कमिश्नर ने, आज भी टिल टुडे योगेश पटेल इज स्टिल मैनेजिंग ट्रस्टी इन स्वामी कंस्ट्रक्शन ट्रस्ट। और ये जो लोग ने रेजोल्यूशन पास किया था और मीटिंग बुलाई थी, जो मीटिंग मैंने अटेंड ही नहीं की है, और उसमें मेरे जो सिग्नेचर मारे थे फेक, और उनके बेसिस पे उन्होंने अथॉरिटी दी थी उनके फैमिली मेम्बर्स को, तो एक सिग्नेचर के ऊपर FIR लॉज हुई।